तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना कर पाएं। थैंक यू। तो दोस्तों देख लीजिए, ये इसका पार्ट टू है, ठीक है। तो पार्ट टू में हम लोग दूसरे बॉक्स को रिपेयर टाइप मतलब साफ करेंगे अच्छे से खोल के। तो देख सकते हो ये स्पीकर पूरा ख़त्म है, ठीक है। इस स्पीकर में और कुछ है नहीं, ये स्पीकर फट चुका है और इसका ट्यूटर का भी जो पर्दा होता है वो फट चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इसका चारों जो स्क्रू है, चारों स्क्रू को हम लोग ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। दोस्तों मेरे चैनल को अब तक सब आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको खोल चुके हैं, तो देखिए अंदर कितना कचरा है इसका, ठीक है। तो हम लोग स्पीकर का तार जो है वो काट लेंगे। स्पीकर का टायर काटने के बाद आपको इस बॉक्स को अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसका ट्यूटर भी खोल लेते हैं, इसको अच्छे से हम लोग साफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए जितना भी कचरा है आपको सब निकाल देना है, देख सकते हैं अंदर इसका कितना कचरा है। तो अब हम लोग खोलेंगे ट्यूटर को, ठीक है। तो देखिए हम लोग ट्यूटर को खोल रहे हैं, तो देखिए हम लोग ट्विटर को खोल लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये ट्विटर पूरा ख़राब है। तो हम लोग इस बॉक्स को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पूरा जितना भी कचरा है सब निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जितना भी कचरा है आपको अच्छे से साफ़ कर देना है। तो इसमें हम लोग एक नया स्पीकर लगाने वाले, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकर। तो देखिए ये स्पीकर मेरे पास पहले से रखा हुआ था, मैंने इसको अच्छे से पैक करके रख दिया था। तो इसी स्पीकर को हम लोग लगाने वाले हैं इसमें, ठीक है। और ये स्पीकर तो ख़राब हो चुका है पूरा, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास इसको रिपेयर कराने का, तो मैंने सोचा इसी को मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 इंच का स्पीकर है, ठीक है, नॉट वूफर, ठीक है, 10 इंच का स्पीकर है। तो हम लोग इसको देखिए खोल लेंगे। तो देखिए हम लोग इसको खोल लिए हैं, इसका पर्दा का क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा स्पीकर है, ठीक है। तो मैं इसको पहले से रिपेयर करा के रखा था, तो हम लोग ये वाला स्पीकर लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला स्पीकर हम लोग लगाएंगे। तो देखिए एकदम इसमें फिक्स बैठता है, ठीक है। ये देखिए हम लोग आते हैं ट्विटर पे। तो देखिए मेरे पास पहले से कुछ ट्विटर रखा हुआ था, तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो एक ट्विटर मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो हम लोग इसी को लगा देंगे इसमें। तो हम लोग इसको इसी में लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं 2 वायर अलग से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इसमें 2 वायर अलग से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद ये ट्विटर को हम लोग अंदर की साइड लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये मेन वायर आता है और वो जो स्पीकर का 2 वायर है, ठीक है। तो उन दोनों को आपस में मिला लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मैं मिला लूँगा आपस में, प्लस माइनस आपको देख के इन दोनों को मिला देना है अलग अलग, ठीक है। तो देखिए मैंने मिला दिया इसको, अब
हम लोग स्पीकर को सोल्ड करते हैं। देखिए तो स्पीकर को हम लोग सोल्ड कर देंगे, वो जो दो वायर बचा है वहीं पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से सोल्डिंग करके आपको इसके दोनों पे टर्मिनल पे लगा देना है। हमने लगा दिया इसको, तो अब हम लोग इस स्पीकर को बॉक्स के अंदर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको अच्छे से लगा के इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे, ठीक है। आपको होल बैठा लेना है देख के, उसके बाद इसको कस देना है। तो हम लोग इसको अभी कस रहे हैं, तो कस जाता है उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग का जो ट्विटर है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं, ड्रिल से ना करें क्योंकि ये घास बोर्ड है, फट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से गड्ढा बना के उसके बाद स्क्रू इसमें बैठा देंगे, ठीक है, बैठा के टाइट कर देंगे। तो देखिए हम लोग अभी ट्विटर का जो कवर है उसको लगा देंगे, तो इसको भी हम लोग लगा के अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपना पूरा सेटअप, ठीक है। तो सेटअप मैंने कैसा बनाया, मेरा पूरा जो पहले मैंने 30-55 का एम्पलीफायर बनाया था उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पार्ट वन पार्ट दोनों का, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो बॉक्स पूरा रेडी है, ठीक है। दोनों बॉक्स देख लीजिए, ये पार्ट टू है। तो ये देखिए, ये जो दो मशीन है मेरा 30-55 वाला, और ये मेरा अलग से मैंने ब्लूटूथ का ही लगाया किट, ठीक है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये ऐसे ही मैंने लगा दिया है, ठीक है, ऐसे थोड़ा भारी करने के लिए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, उसे कोई कनेक्शन नहीं है उसका लेना देना, ठीक है। और ये रहा ऑक्स, ऑक्स तो हम लोग उसमें कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। तो देखिए कनेक्शन, ये लेफ्ट का लेफ्ट वाला बॉक्स में लगा है, राइट का राइट वाला बॉक्स में लगा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। तो टेस्टिंग देखिए।
पर।